इंसान भी बहुत अजीब है, नफरत के इजहार में ताखीर नहीं करता और मोहब्बत को छुपाता फिरता है। मर्द आंखें नीचे नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर दोनों को एहतराम और इज्जत की तलाश है। बहुत से लोग किसी बात का मतलब समझ ना आने पर सही बात को भी गलत करार देते हैं। लोगों को न तो अपने गम बताओ न अपनी खुशियां। जाहिल इंसान को दलील देना अपने आप को जलील कराने के बराबर है। कारोबार करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, वरना आप लॉस्ट कर जाओगे। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो नहीं है। गरीब लोगों के पास सिवाय ख्वाहिशों के और कुछ नहीं होता। सुकून के लिए हुजूम का कम करना जरूरी है, फिर चाहे लोग तुम्हें खुद गर्ज ही क्यों न समझे। शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मुआफी मांगने के बावजूद इसे दुख जरूर रहेगा, जैसे दीवार में लगे कील को निकलने के बाद भी निशान रह जाता है। कोई कितनी ही नाइंसाफी कर ले, आखिर में इंसाफ तो इज्जत नहीं करना है। मुअज्जज बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज्जज इंसान ही कर सकता है और यही इंसानियत का कमाल है। दूसरों को नजरअंदाज करने वाले अपने बारे में सोचिए, जब इनको नजरअंदाज किया जाए तो इन पर क्या गुजरती है। आप ऐसी कौम को जगा नहीं सकते जो सोए हुए होने का ड्रामा कर रही हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने बढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल हो जाता है, तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफिकत का इलाज करवाए। आज के दौर में लफ्ज कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लफ्ज सहने वाले कमाल करते हैं। जो लोग नुकसान में सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह ताला इनके नुकसान को नफा में बदल देता है। कमजोर लम्हों में तसल्ली के दो अल्फाज बोलने वाला दिल के बहुत करीब हो जाता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। मोहब्बत और अहमियत नापने का आसान फार्मूला, इससे आप जान सकते हैं अपनी अहमियत और मोहब्बत। मोहब्बत और अहमियत नापने का आसान फार्मूला, बस मैसेज और रिप्लाई का दरमियानी वक्फा जितना ज्यादा होता जाएगा मोहब्बत और अहमियत कम होती जाएगी। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जहां मोहब्बत हो वहां लड़ाइयां होती है। ये दुनिया के बड़े झूठों में से एक है। आए दिन की नाराजगी कतरा कतरा करके रिश्तों को चाट जाती है। लड़ाई झगड़ा मोहब्बत की दलील खत्म नहीं है।